हेलो एवरीवन, मैं सचिन, आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो में जनवरी 2023-24 की लगभग 100 करंट 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस, एक 104-105 क्वेश्चंस यहाँ पीपीटी पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्कस करूँगा। तो बिना देरी किए हुए जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा आईबी का एसीआईओ जो पेपर हुआ अभी, उसमें लगभग 60-70% करंट अफेयर आप देखोगे, बाय प्रूफ है हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने वो वीडियोस आपको जो है आईबी एसीआईओ की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए, उनकी वीडियो हमने अपलोड भी करी है, अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उनको। और वो हमारे करंट अफेयर जो पड़े हुए हैं, मंथली करंट अफेयर्स हर महीने के, साथ ही साथ जो 12 महीने का कंपाइलेशन है, 6 महीने का कंपाइलेशन है, उसमें से आप देखोगे, एक सेट में तो आप देखोगे लगभग 90% क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, विद प्रूफ आपको मिल जाएंगे। मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, मेरी पुरानी प्रीवियस ईयर की जो आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है वीडियो, चाहे मंथली देख लेना या 12 मंथ की कंपाइलेशन देख लेना, आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें एज इट इज मिल जाएंगे, जो एआईबी एसीआईओ के पेपर में आए हुए हैं। और हम मंथली करंट अफेयर्स में और 12 मंथ की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन में हमने उनको डिस्कस किया है। तो ऐसा भी नहीं है मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ वो मिल जाएंगे। वो पीपीटी पड़ी हुई है, वो पीडीएफ पड़ी हुई है, वो नोट्स, वो वीडियोज पड़े हुए हैं, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छे करंट अफेयर्स को हम प्रोवाइड कराएं आपको। थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा लेट हो जाते हैं हम, लेकिन वो करंट अफेयर वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे जो पेपर्स हैं उनमें आने के। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं जो क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करता हूँ। क्लियर? तो बिना देरी की हुई स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आप सारे लोग हमारे आरबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर करके अपने दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करके आरबी पे एसएससी रिलेटेड सारे वनडे एग्जाम्स की अपडेट से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। प्री इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टैटिक टॉपिक्स आपको अवेलेबल होंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ई बुक्स के साथ अवेलेबल हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज वन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। तो पहला ग्रैंड स्लैम, मैं टोटल ग्रैंड स्लैम यहां पे लिख देता हूं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम है। उसके बाद आपको पता है इसके अलावा कौन से हैं, फ्रेंच ओपन भी है, एक विल्वंडन भी है, विवल्डन, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, विवल्डन। और इसके बाद आता है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनका ऑर्डर देख लेना। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल की शुरुआत में, उसके बाद 3 और होते हैं, फ्रेंच ओपन, विवल्डन और यूएस ओपन। क्लियर है? ये 4 ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो पहला हुआ है, क्लियर है, 2024 में अभी जनवरी में, उसको किसने जीता है? मेंस में जीता है जेनिक सिनर ने, और वुमेन्स में, फीमेल में जीता है आर्याना सबलेंका ने। और इसी ग्रैंड स्लैम में आपने सुना होगा भारत के रोहन बोपन्ना जी ने, जो भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने डबल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर नाम का एक एनजीओ, एक संगठन है जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करता है। ये इंडेक्स में ये बताता है कि दुनिया में कौन सी मिलिट्री, कौन सी सेना सबसे पावरफुल है। तो इसने जो अपना ये रैंक दिया, इंडेक्स दिया, उसमें सबसे पावरफुल आर्मी यूएस की है, दूसरे नंबर पे इसके अनुसार रसिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, और चौथे नंबर पे हमारा देश है, इंडिया है। हम दुनिया की चौथी बड़ी डिफेंस पावर हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगला एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक बॉडी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पूरे साल भर जो क्राइम का डेटा रजिस्टर्ड होता है उसको एनालिसिस करती है, उसके बाद पूरे साल के अंत में क्या करती है, उसको रिलीज करती है। तो इसका जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अनुसार साइबर क्राइम के मामले में, डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरनेट बेस्ड क्राइम के मामले में
कौन सा राज्य पहले स्थान पे है जहां सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के अपराध रजिस्टर्ड हुए हैं? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, और जिसके सीएम रेवंत रेड्डी हैं, जो अभी चुनाव हुए थे उसमें तेलंगाना में, बीआरएस, जो भारतीय, जिसका नाम टीआरएस था, तेलंगाना राष्ट्र समिति था, भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस कर दिया है, उनके जो सीएम थे वो उस हार गए, केसीआर, सुना होगा, के चंद्रशेखर राव, और कांग्रेस की सरकार बनी तेलंगाना में, वहां पे रेवंत रेड्डी जी सीएम बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना, नाम ही है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को देश में क्या करना है? बढ़ावा देना है। हर घर में सोलर रूफ टॉप, ये योजना है, सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे, छतों पर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे हर घर में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके और भारत को एनर्जी के फॉर्म में इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, स्वतंत्र बनाया जा सके। हमें इतना एनर्जी प्रोडक्शन करें हम कि हमें किसी से भी एनर्जी ऊर्जा को खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, आपने सुना होगा, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी है ना, जोड़ लेना, इंडियन प्लेयर कौन बने हैं? तो मैंने बताया अभी, रोहन बोपन्ना जी ने टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स जीता है, डबल्स जीता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है? नाम है आसाम वैभव, और ये किसे दिया गया है? आपने सुना होगा, भारत के एक्स सीजेआई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को इस बार दिया गया है, बहुत चर्चा में रहा था ये, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को ये दिया गया है। क्या? असम वैभव, जो असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत का अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो आपको पता है वो कौन है? भारत रत्न है, 19 भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 1954 से स्टार्ट हुआ है ये, और ये साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, एक साल में 3 पर्सन को, 3 पर्सनालिटी को एक साल में दिया जा सकता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, पॉस्टमोसल जो है, पॉस्टमोस क्या कहते हैं उसको, मरणोपरांत को पॉस्टमस कहते हैं, मतलब वो वर्ड मुझे निकल नहीं रहा है अभी, तो उसको 3 लोगों को दिया जाता है। क्लियर है? भारत रत्न 1994 से दिया जा रहा है, 3 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। क्लियर है? ध्यान रखना। इस बार आपने सुना होगा किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात, जो सॉरी बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। ये भारत का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको पता है पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण के बाद पद्म श्री है, सॉरी पद्म भूषण है थर्ड, और फोर्थ है क्या? पद्म श्री, हर साल दिए जाते हैं, आपने सुना होगा, पद्म अवार्ड्स कहते हैं। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ये फोर्थ हाईएस्ट। ये तो ऐसे याद रख सकते हो, जिसका नाम बड़ा पद्म अवार्ड्स में वो बड़ा है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा लिखा जा रहा है, फिर पद्म भूषण लिखा जा रहा है, फिर पद्म श्री लिखा जा रहा है, और सबसे हाईएस्ट है भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसको किसने बनाया है? कर्नाटक के एक आर्किटेक्ट हैं, रचनाकार हैं, वास्तुकार हैं, कर्नाटका के, जिनका नाम है अरुण योगी राज, इन्होंने बनाया रामलला की मूर्ति, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी आपको पता होगा, 22 जनवरी को। हाल ही में चर्चा में रहा हैविजर, हैविश्योर कह के, वो हिंदी थोड़ा सही कर लेना, हैविश्योर क्या है? तो ये भारत की पहली स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, हमने खुद बनाई हैपेटाइटिस ए जो बीमारी होती है उसकी वैक्सीन है, जिसको किसने बनाया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद की जो कंपनी है इसने बनाया। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपको पता है कौन सा होता है? अभी गैलेंट्री अवार्ड का भी जो है घोषणा हुई थी,
तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। परमवीर चक्र सर्वोच्च सम्मान है भारत का गैलेंट्री के फील्ड में, वीरता पुरस्कार के फील्ड में। सुना होगा कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र है ना, तो परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आता है, जिसमें CRPF, ITBP, SSB, BSF और CISF आते हैं। ये 5 सेंट्रल फोर्सेज हैं जिनका आपने सुना होगा UPSC का एग्जाम होता है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है। तो CISF की पहली महिला महानिदेशक, पहली बार CISF की डायरेक्टर जनरल एक महिला बनी है, IPS नीना सिंह नाम है उनका। क्वेश्चन पूछ सकता है पहली बार कोई महिला IPS जो है वो क्या बनी है, चीफ बनी। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट कहाँ मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा, आपको पता है लिथियम डिपॉजिट आज के टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, तमाम जगह इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा रहा है, रिचार्जेबल बैटरी में इसका यूज किया जाता है उसको बनाने में। तो सॉल्टन सी है कैलिफोर्निया में, USA में, सॉल्टन सी कैलिफोर्निया USA में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट मिला है। भारत में आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के रियासी रीजन में, रियासी क्षेत्र में कुछ महीने पहले एक लिथियम डिपॉजिट मिला था। इसके अलावा राजस्थान के एक क्षेत्र में भी भारत में लिथियम डिपॉजिट मिला है। और एक क्वेश्चन आता है लिथियम ट्रायंगल, कौन से देश लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत फेमस है, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लिथियम का, तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, ये 3 देश हैं कहां के, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, जो क्या बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे तो इस तरीके से मैप आपको दिखेगा, जिसमें अगर मैं मैप थोड़ा सा भी ड्रॉ करूं इस तरह से पूंछ होगी, नीचे इधर होगा चिली, ऊपर इस साइड होगा अर्जेंटीना और इस साइड कॉर्नर में होगा क्या, इस साइड यहां पे होगा बोलीविया, इस साइड होगा पेरू। साउथ अमेरिका का एक बार मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं 3 देश। क्रिकेट में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, रवि शास्त्री जी को दिया गया है, जो भारत के कोच भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं। CK नायडू जो अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है, क्रिकेट में दिया जाता है। अगला है दोरजी शेरिंग लेपचा हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए, तो सिक्किम में एक सीट है राज्यसभा की, कितनी सीटें हैं, 1 सीट है किसकी, राज्यसभा की, और सिक्किम से चुने गए हैं ये दोरजी शेरिंग लेपचा। क्लियर है, राज्यसभा के लिए याद रखना, लेपचा ऐसे याद रख सकते हो, लेपचा और भूटिया, लेपचा और भूटिया सिक्किम के 2 फेमस ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सिक्किम की ट्राइब्स हैं ये, बहुत फेमस ट्राइब्स हैं लेपचा और भूटिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है पोंगल उत्सव, तो सबसे पहले तो पोंगल से पूछा जा सकता है, पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और पोंगल उत्सव के दिन जलीकट्टू नाम का एक ट्रेडिशनल खेल होता है, और सुना होगा जलीकट्टू बहुत चर्चा में रहता है, जलीकट्टू खेल किस राज्य में, तो पहले ही बता चुका किसमें, तमिलनाडु में होता है, ये फोटो आपको दिख रहा होगा जलीकट्टू का। इसके अलावा एक और खेल बहुत फेमस है जिसका नाम है कंबाला, ये कर्नाटका में खेला जाता है, ट्रेडिशनल खेल है। क्लियर, गोल मेला महोत्सव, गोल मेला फेस्टिवल, क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से, तो आर्ट एंड कल्चर में अक्सर जो फेस्टिवल चर्चा में होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024, इंटरनेशनल कैमल महोत्सव, कैमल फेस्टिवल कहते हैं, कहां पे, तो आपको पता है कैमल के लिए जाना जाता है राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया 2024 का। अगला सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ईसी का मतलब है अदर 2, तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं,
जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार है, इस समय राजीव कुमार है, और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आपको पता होगा कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अब तक क्या होता था, इन तीनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, सरकार के कहने पर। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा के जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना ले, तब तक ये पुरानी व्यवस्था खत्म की जाती है, और इन तीनों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा करेंगे। ये तीन लोग मिलके करेंगे जब तक सरकार कानून नहीं बना लेती। तो उस पुरानी व्यवस्था को जो आजादी के बाद से चली आ रही थी, संविधान लागू होने के बाद से चली आ रही थी, उसको सरकार ने क्या, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सरकार ने, चूंकि सरकार को बोला गया था कानून लेके आना, सरकार ने कानून लेके आया, और सरकार ने कानून लाके 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई। इस 3 मेंबर्स की कमेटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आप कहोगे 3 मेंबर्स की कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिस कैबिनेट मिनिस्टर को चाहेंगे उसको ले लेंगे, और तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और दूसरा ये भी हो सकता है अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है, क्योंकि तो आपको पता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या राज्यसभा में अगर चाहिए किसी को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो टोटल सीट्स का 1/10, मतलब कितना परसेंट, 10% सीटें चाहिए। जैसे 543 सीटें होती हैं लोकसभा में, तो 54.5 हो गया, 54.3 हो गया, मतलब 55 लोकसभा के सांसद होने चाहिए। अभी किसी पार्टी के पास 55 लोकसभा के सांसद नहीं है, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पद वैकेंट है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी डाला गया है, लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता इस समय कांग्रेस है, और उसके जो लोकसभा में लीडर है उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो इन तीन लोगों को, इन तीन लोगों के कहने पर, इनकी रिकमेंडेशन पर इनका अपॉइंटमेंट अब कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया है? कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया, गुजरात में। इससे पहले आपको पता है 1500 लोगों ने ग्वालियर में एक साथ तबला बजाकर, ग्वालियर में एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया था अपना। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको पता है किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में बनाता है। क्लियर है? अगला, कितने बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्मृति ईरानी जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा हर साल अनाउंस किए जाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2000 पुरस्कार, प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार हैं बच्चों की, जो बच्चे वीरता का काम करते हैं उनको जो है मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है उनके काम को, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अनाउंस करती है, और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो इस समय राष्ट्रपति, उनके द्वारा दिए जाते हैं। कितने बच्चों को इस साल दिए गए? 19 बच्चों को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ वेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, आपको पता है टेलीविजन मीडिया से संबंधित है, पिक्चर से संबंधित है, किसको दिया गया है, कौन सी फिल्म को दिया गया है? फिल्म का नाम है ओपन हैमर, ओपन हैमर जो है फिल्म है उसको दिया गया है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भारत में आज तक पहली बार किसको मिला है? तो ए आर रहमान जो म्यूजिक, जो संगीतकार हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, उनको दिया गया है। ए आर रहमान आज तक पहले भारतीय ये हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। मकर संक्रांति पर एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है मकर बिलक्कू, मकर संक्रांति पे, अच्छा याद रखना ये मकर संक्रांति पे ही तमिलनाडु में क्या हो रहा था? पोंगल हो रहा था, जो पोंगल फेस्टिवल था तमिलनाडु में वो मकर संक्रांति पे ही होता है। नॉर्थ इंडिया में उसे मकर संक्रांति कहते हैं, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में पोंगल,
उत्सव के रूप में मनाते हैं। केरला में, केरला के सबरीमाला टेम्पल, केरला में इसे मकरविलक्कू फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें तो भारत विश्व में कौन से नंबर पे आ गया है, कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे आ गया है स्टील के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे कौन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में, आधे से ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन करता है दुनिया के लिए चाइना। दूसरे नंबर पे अब हम पहुंच गए। हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिया गया? मैं पहले ही बता चुका हूं, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, जिनको मसीहा बोला जाता था, बिहार में अभी बोला जाता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मसीहा बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर बहुत फेमस मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके काम बहुत फेमस हैं बिहार में और पूरे देश में। भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2024 दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यह आपको ध्यान रखना है, केम्पेगौड़ा जी जो है वो क्या है, एक मिडाइवल इंडिया के, मध्यकालीन भारत के और संगम टाइम के, आप कह सकते हो विजयनगर के आसपास, जो विजयनगर साम्राज्य एम्पायर था उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था, उसके बहुत फेमस रूलर हैं ये केम्पेगौड़ा। और इनके नाम पे बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के आपको पता है IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केम्पेगौड़ा जो है इनके नाम, इन्होंने क्या किया था, बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर को बसाया है केम्पेगौड़ा जी ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बेंगलोर सिटी को किसने बसाया था, केम्पेगौड़ा जी ने बसाया था। और बेंगलोर में केम्पेगौड़ा जी की स्टैचू बनाई गई, जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, समृद्धि की मूर्ति, समृद्धि की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा कहां पे, बेंगलोर में, किसकी, केम्पेगौड़ा जी की लगाई गई है। बिंग्स इंडिया ने ये रिपोर्ट निकाली थी, बिंग्स इंडिया के अनुसार हाई बेस्ट जो एयरपोर्ट है इंडिया में वो कौन सा है, दूसरा बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर किसे मिला है, विस्तारा एयरलाइंस को मिला है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हेनले संस्था है उसने वो निकालती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, जिसको ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। क्लियर, पावरफुल का मतलब है जहां पे उस पासपोर्ट, वो उस पासपोर्ट को ले जाके पूरी दुनिया में कहीं भी वो उस देश का नागरिक जा सकता है, वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है, बहुत आसानी से वीजा मिल जाता है। तो इसमें टॉप देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्लियर है, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में। और क्वेश्चन पूछेगा इंडिया की रैंक क्या है, तो हमारी रैंक है 80वें नंबर पे है, हमारा पासपोर्ट 80वें नंबर पे है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक कवि का, एक शायर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, मुनव्वर राणा, नाम सुना होगा आपने। हाल ही में होन्सू द्वीप बहुत चर्चा में था, जहां बहुत खतरनाक भूकंपीय आपदा आई थी, तो कहां पे आपको पता है, जापान में बहुत खतरनाक भूकंप आया जिसमें बहुत ज्यादा जापान में तबाही हुई, होन्सू आइलैंड सुना होगा। इसके अलावा होकाइडो आइलैंड सुना होगा आपने, होकाइडो आइलैंड है, होन्सू आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड बहुत चर्चा में रहता है, ये सब कहां पे हैं, जापान में। सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान और चाइना के बीच विवाद भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 आईसीसी ने किसे बनाया, सूर्य कुमार यादव को बनाया है आईसीसी। यहां पे ODI वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सब स्वच्छता के मामले में पहला नंबर किसने प्राप्त किया है, महाराष्ट्र स्टेट ने प्राप्त किया है। जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण शहर जो है सिटी की बात करें अगर पुरस्कार में, सिटी में, तो फिर से नंबर वन पे क्या है, इंदौर है,
इंदौर और सूरत दोनों को नंबर वन पे रखा गया है, पहले दूसरे पे, या दोनों को एक ही स्कोर मिला है। फीफा महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का फीफा वुमेन बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 का किसे मिला है? एटना वोन मती को मिला है। जबकि मेंस में अगर आप देखें तो लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर और कैप्टन हैं लियोनल मेसी, ये पुरुषों में वेस्ट फीफा प्लेयर हैं फुटबॉल के। इसरो का 2024 का जो पहला मिशन लॉन्च हुआ था, आपको पता है उसका नाम है एक्सपो सेट, पूरा नाम है एक्स रेज पोलरिमीटर सैटेलाइट, एक्स रेज पोलरिमीटर सैटेलाइट, जिसे PSLV जो भारत का रॉकेट है, मैंने GS की जो शॉर्ट वीडियोज है उसमें पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी पे एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, वहां पे आपको पता चल जाएगा भारत के जो सबसे फेमस रॉकेट है PSLV और GSLV। तो कौन सा रॉकेट? PSLV का C-58। फ्लाइट नंबर कौन सी थी? 60, क्योंकि दो बार PSLV का मिशन क्या हुआ है? फेल हुआ है। और ये दुनिया का सबसे PSLV और GSLV सबसे एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले रॉकेट माने जाते हैं, जिनके आज तक 60 उड़ानों में PSLV की केवल दो उड़ानें फेल हुई हैं। इससे भेजा गया एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट, और दूसरा इंडिया जो है नासा के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है एक्स रेज की स्टडी करने वाला, आफ्टर नासा। पहले नंबर पे एक्स रेज की स्टडी के लिए सैटेलाइट किसने भेजा? नासा ने, यूएसए ने भेजा। दूसरे नंबर पे हमने भेज दिया है। ये करेगा क्या? ये एक्स रेज की स्टडी करेगा, एक्स रेज की स्टडी करेगा, मतलब आपने सुना होगा ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऑब्जर्वेटरी होगी स्पेस में जो एक्स रेज, ब्लैक होल, इन सब की स्टडी करेगा। ब्लैक होल आपने सुना होगा, स्पेस में एक ऐसी बॉडी है जो इतना हाईएस्ट, जिसके हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, कि उसके ऊपर से, उसके अंदर से अगर प्रकाश, लाइट भी डाली जाए तो लाइट को भी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब लाइट को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। बहुत हाई डेंसिटी का है, बहुत हाई डेंसिटी होने की वजह से बहुत हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका। ब्लैक होल या एक्स रे की स्टडी के लिए भेजा गया है एक्सपो सैटेलाइट, एक्स रेज पोलरिमीटर सैटेलाइट, इसरो का पहला 2024 का मिशन। किस कृषि वैज्ञानिक को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया? प्रोफेसर VR कंबोज। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको पता होगा, कई बार डिस्कस किया है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत के फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। लास्ट ईयर इनका निधन भी हो गया है। और इसका जो पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था 2004-05 में स्टार्ट ये हुआ था, वो उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। इनको पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल नाम सुना होगा, अटल सेतु, जिसको पहले नाम दिया गया था वांद्रा वर्ली सी लिंक। पहले क्या नाम था इसका? वांद्रा वर्ली सी लिंक। प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। कहां बनाया गया है? मुंबई के लिए, जिस जो मुंबई को नवी मुंबई से, बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित रहा धनु यात्रा, धनु यात्रा या कहीं पे लिखे यात्रा, जब भी यात्रा फेस्टिवल की बात आएगी, यात्रा फेस्टिवल की बात आएगी, तो मोस्टली ये यात्रा या यात्रा फेस्टिवल जो होते हैं, इस नाम से जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उड़ीसा के होते हैं, आप याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज कौन बन गए हैं? शीतल देवी, पहले तीरंदाज जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जीता है। क्लियर? ध्यान रखना है ये वाला, यात्रा लिख के आए कहीं पे है, यात्रा लिख के आए, ये वर्ड कहां पे यूज होते हैं फेस्टिवल्स में? उड़ीसा में यूज होते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चैमिलियन ट्रोजन क्या है? ट्रोजन हमेशा सुना होगा, कई सारे मॉलवेयर कहते हैं इसे, वायरस कहते हैं इसको, ट्रोजन भी कहते हैं इसको, रैनसमवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में वायरस होते हैं जो लैपटॉप या फोन में आके
उसको क्या कर लेते हैं, उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं। सुना होगा वायरस, तो उसके बाद एंटीवायरस का यूज किया जाता है। तो ये चर्चा में था, अटैक हुआ था, साइबर अटैक कहीं पे। तो चैमिलियन ट्रोजन क्या है? मॉलवेयर है, वायरस है, ट्रोजन है, रैमसमवेयर। इससे पहले आपने सुना होगा रैमसमवेयर बनना कराया, रैमसमवेयर पेट्रिया, तो पेट्रिया बनना कराया, ये सब है क्या? ये ट्रोजन ही है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की। अंबेडकर जी की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78th वाला जो सेशन होगा उसके अध्यक्ष कौन है? ये रिसेंटली भारत की यात्रा पे थे इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेनिस फ्रांसिस हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो देश है, सुना होगा आपने, कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। कैरेबियन सी जो है इसको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री भी कहते हैं, मध्य अमेरिका के देश भी कहते हैं। कैरेबियन आइलैंड सुना होगा आपने, जमैका है ना, हैती है, प्यूटो रिको है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, बारबाडोस है, ये सारे कैरेबियन आइलैंड हैं। सुना होगा आपने, वेस्ट इंडीज की जो टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, वो किसी एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज है उसको बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में, कैरेबियन सी में। यूएनजी आपको पता है, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं आपको पता है। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, पांचवा यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और छठी क्या है, यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। बाकी आपने सुना होगा WHO है, यूनेस्को, ये सब क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन की। अगला, विश्व शतरंज चैंपियन को हराने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको पता है उनका नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और ये नाम आपने सुना होगा, इनकी एक बहन भी है जो बहुत फेमस चेस चैंपियन है, वैशाली रमेश बाबू। ये दोनों भाई बहन हैं जो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, किसमें, चेस के फील्ड में। और इन्होंने हराया किसे, चाइना के जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है डिंग लायरेन, डिंग लायरेन को हराया इन्होंने, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने डिंग लायरेन को हराया जो चाइनीज चेस प्लेयर है, चाइना वर्ल्ड चैंपियन है ये, इसको हराया इन्होंने। और इनकी सिस्टर का नाम भी याद रखना, वैशाली रमेश बाबू, ये भी बहुत फेमस चेस प्लेयर है। किस देश ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया है? आंसर है साउथ अमेरिका का देश अर्जेंटीना, जो अभी मैंने आपको लिथियन ट्रायंगल में डिस्कस किया था। जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई थी अभी लास्ट ईयर 2023 में, कहां पे हुई थी, जोहानसबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुई थी ये। यहां पर 6 देशों को ऐड किया गया था, 6 देशों को इसमें शामिल किया गया था ब्रिक्स में। क्लियर है? ये 6 देश आपने, मैं यहां लिख देता हूं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है अफ्रीका का ही, और लास्ट था अर्जेंटीना। ये 6 देश शामिल होने थे, 5 शामिल हो गए, ये छठा शामिल नहीं हुआ, इसने अपना नाम वापस ले लिया है। तो टोटल अभी ब्रिक्स में कितने थे, 5 थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 5 और जुड़ गए, टोटल मिला के 10 मेंबर हो गए। तो कहां पे हो रही थी ये, साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका में 2023 में हुई। तो अगला क्या होगा, वापस आएगा ब्राजील पे, ऑर्डर से चलता है, ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। तो 2024 की अध्यक्षता किसे करनी थी, ब्राजील को, लेकिन ये नहीं करेगा, याद रखना, चेंज हो गया, इसकी अगली प्रेसिडेंसी जिस पे आती रसिया, इसको दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्राजील 2024 में G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में हमने की थी, 2024 में कौन कर रहा है G20 की अध्यक्षता, ब्राजील के पास है। G20 की जो बैठन होती है वो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जब G20 हमारे यहाँ जो सम्मेलन हुआ वो जब खत्म हुआ,
तो ब्राजील का जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उनके लिए दिया गया क्या, प्रधानमंत्री जी ने G20 की बैठक दी, क्योंकि G20 का 2024 का इस साल का जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास है, इसीलिए ब्राजील ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है रसिया के ऊपर। तो 2024 का ये अपडेट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रसिया प्रेसिडेंसी, रसिया करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होगा ब्रिक्स का। कितने मेंबर्स हैं, अब 10 हैं, अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया। हाल ही में चर्चित हट्टी समुदाय, हट्टी कम्युनिटी कहां से है, हिमाचल प्रदेश से है, और हट्टी समुदाय को वहां पे ST का दर्जा दिया गया, इसलिए चर्चा में, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया हट्टी समुदाय को, जो बहुत दिन से मांग कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस की सरकार है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां के CM है। हाल ही में चर्चित कनुमा फेस्टिवल किससे संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस पुरुष युगल रैंकिंग में पहला स्थान, पहले ही बताया मैंने, जिन्होंने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता है डबल्स में, रोहन बोपन्ना जी। कौन सी भारतीय कंपनी PSU में सबसे मूल्यवान, हाईएस्ट वैल्यू वाली, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, कौन बन गई सबसे बड़ी, LIC। किसने, इसने किसको पीछे छोड़ा है, SBI को पीछे छोड़ा है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, इंडिया देश का, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा देश क्या है, मिल्क प्रोड्यूसर। भारत की पहली महिला महावत, महावत आप जानते हो, आप फोटो देख रहे हो, पहली महिला महावत जिसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, नाम है पार्वती बड़ुआ को दिया गया है। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का पद्म विभूषण, आप लोगों को पता है, मैंने अभी लिखवाए थे भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट है, कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। किसको किसको दिया गया है, तो एक है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम जी को दिया गया है, ये आर्टिस्ट हैं, बिंदेश्वर पाठक का नाम सुना होगा, ये सोशल वर्कर हैं, ये जो सुलभ शौचालय, जो सुलभ सुना होगा हर जगह आप सुलभ टॉयलेट्स देखते हो, सुलभ शौचालय देखते हो, इन्हीं का ये NGO है बिंदेश्वर पाठक जी का, वो चलाता है। इसके अलावा विजयंती माला जो हैं, एक और आर्टिस्ट हैं विजयंती, साउथ की विजयंती माला, इनको दिया गया है। इसके अलावा एक एक्टर हैं बहुत फेमस, आपने सुना होगा, साउथ के चिरंजीवी जी को दिया गया है, और वेंकैया नायडू जी जो भारत के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इन 5 लोगों को दिया गया है इस बार क्या 2024 का पद्म भूषण विभूषण, पूछ सकता है क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित रही गांधी या लाइफ इन 3 कैंपेन्स, गांधी के जीवन के 3 सबसे प्रमुख आंदोलन या कैंपेन, इस पे बेस्ड एक किताब लिखी है, अरविंद पनगड़िया जी ने ये लिखी है। अरविंद पनगड़िया जी आपको पता है ये क्या है, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे, ये इकोनॉमिस्ट हैं, किसके, नीति आयोग के, 2015 में जब नीति आयोग बना। ये 16वां फाइनेंस कमीशन जो अभी अनाउंस किया है राष्ट्रपति जी ने, जिसका टर्म होगा 2026 से 2031 तक का, इसके चेयरपर्सन भी बनाए गए हैं। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और जो केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्स का डिवोल्यूशन करता है, मतलब पैसे का बंटवारा करता है। तो 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी बनाए गए हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, NK सिंह थे। ये सब हमने इकोनॉमी में डिस्कस भी किया। अगला, देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, कन्या सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल कहां खोला गया, इंपॉर्टेंट है, वृंदावन UP में खोला गया। अगला क्वेश्चन है रानी दुर्गापति श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत चर्चा में, किस राज्य द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी हैं CM वहां पे, और BJP की सरकार बनी है अभी जो चुनाव हुए थे आपको पता है। तो रानी दुर्गापति श्री अन्न, श्री अन्न किसे कहा जाता है, ध्यान रखना है, श्री अन्न मोटे अनाज को कहा जाता है, मिलेट्स को कहा जाता है, मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया है, ध्यान रखना है।
मिलेट्स को। अगला क्वेश्चन है, तो ये पर्पज क्या है, इस योजना का पर्पज है किसानों में मोटे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करना, उन्हें इंसेंटिव्स देना, प्रोत्साहन देना जिससे वो मोटा अनाज उत्पादन करें, और उसका जनता तक, कंज्यूमर तक उसका क्या अवेयरनेस फैलाना कि मोटा अनाज जो होता है, मिलेट्स जो है, जैसे बाजरा है, रागी है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, ये सब इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे हाई होती है, गेहूं और चावल से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इस मोटे अनाज की। और आपको ध्यान, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, 2023 को भारत सरकार के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, क्लियर। और भारत सरकार ने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था इसको, 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटा अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था 2018। अगला, तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, आपको पता है तेंजिन नॉर्गे का नाम सुना होगा आपने, माउंटेनियर जो होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनके फील्ड में दिया जाता है, किसको मिला है, सबिता कंस बॉल को दिया गया। ये गंगा सागर मेला बहुत फेमस मेला है वेस्ट बंगाल का, गंगा सागर, कहाँ पे, सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, उस पर लगता है ये मेला, गंगा सागर। हाल ही में चर्चित रहा पेरेग्रीन वन मून मिशन, लैंडर मिशन होगा, ध्यान रखना है ये लैंडर और रोवर जाएंगे इसमें, इससे पहले हमने भेजा है आपको पता होगा चंद्रयान 3, लैंडर एंड रोवर मिशन है हमारा ये जो गया है, अब हम भेजेंगे चंद्रयान 4, और चंद्रयान 3 मैंने पूरी क्लास ली है जो जीएस शॉर्ट वीडियोज हैं, चंद्रयान 3 में किससे गया है, जीएसएलवी एमके 3 से गया है, जिसको एलबीएम 3 भी कहते हैं, भारत का सबसे हैवी रॉकेट, बाहुबली कहते हैं जिसे, क्लियर है। प्रज्ञान और विक्रम, इसमें रोवर, लैंडर और रोवर है, प्रज्ञान और विक्रम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है क्या ये, अमेरिका का है पेरेग्रीन मिशन, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर मिशन है, सरकारी एजेंसियों ने भेजे हैं, ये वर्ल्ड का पहला प्राइवेट है मून लैंडर मिशन है जहां लैंडर और रोवर जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला सड़क सुरक्षा बल, है ना, रोड सेफ्टी फोर्स, जो रोड्स में एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए काम करने वाला, एक्सीडेंट में मरीजों को, जो एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनका जो दुर्घटना हो गई उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, डेडिकेटेड फोर्स होगा जो रोड सेफ्टी के फील्ड में काम करेगा, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, भगवंत मान जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। भारत इसरो द्वारा लैग्रेंजेस पॉइंट 1 पर L1 पे, हमने आपको पता होगा आदित्य L1 मिशन भेजा है हमने, L1 लैग्रेंजेस पॉइंट होता है, टोटल L1 L2 L3 L4 L5 पांच लैग्रेंजेस पॉइंट हैं स्पेस में, और लैग्रेंजेस पॉइंट स्पेस में वो पॉइंट होते हैं जहां पर स्टेबिलिटी होती है, मतलब जहां सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, सन का अट्रैक्शन फोर्स और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अट्रैक्शन टाइप के होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, वो बैलेंस हो जाता है, और यहां पर एस्टेब्लिश करने किया गया ऑब्जेक्ट बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, स्टेशनरी रहता है। तो आदित्य मिशन जो है, जो सोलर मिशन होगा, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, जो सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, सन के कोरोना जो है, सोलर कोरोना का स्टडी करेगा, फर्स्ट सोलर मिशन भेजा है इसरो ने, और भारत चौथा नंबर का देश बन गया है सोलर मिशन भेजने वाला, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना के बाद। किस देश ने हिम तेंदुआ, स्नो लियोपॉड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किर्गिस्तान ने। स्नो लियोपॉड हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहां बहुत देखने को मिलते हैं, और हिम तेंदुआ शर्मीला होता है, ध्यान रखना, स्नो लियोपॉड, और ये जो पांच जो बिग कैट फैमिली के पांच हैं मेंबर्स हैं उनमें से एक है, जैसे एक सुना होगा आपने एशियाटिक लाइन्स शेर जो जिसको कहते हैं, बब्बर शेर आप कहते हो जिसे, उसके बाद चीता दूसरा हो गया, तीसरा टाइगर हो गया बंगाल टाइगर, चौथा स्नो लियोपॉड, और पांचवा क्या होता है तेंदुआ कहते हैं जिसे, क्लियर। तो ये पांच हो गए। अगला, रिसेंटली विच हैज इंडिया रजिस्टर्ड इन द नेम इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई सिंगिंग अ सॉन्ग इन 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, किस भारतीय ने? नाम है उनका सुचिता सतीश, केरला की हैं ये, फोटो लगा हुआ है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा क्षेत्र में, टेक्सटाइल के फील्ड में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाली कंपनियां उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे भारत का टेक्सटाइल के फील्ड में एक्सपोर्ट बढ़ सके, डेडिकेटेड भारत पार्क स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? विदेश में, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में पहला भारत पार्क स्थापित करने जा रही भारत सरकार। दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पर्पल फेस्टिवल किससे संबंधित है और कहां मनाया गया है? गोवा में मनाया गया। पनडुब्बी टूरिज्म, सबमरीन टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, नाम है जो है गुजरात। कहां पर? द्वारका सिटी में। द्वारका सिटी में ये पनडुब्बी टूरिज्म शुरू हुआ है, जिसमें पनडुब्बी नीचे तक जाती है समुद्र में, और इसका पर्पज है जो ओल्ड द्वारका सिटी थी, जो हजारों सालों का जो हमारा सिविलाइजेशन का इतिहास है, ओल्ड जो द्वारका सिटी है उसकी खोज करना अंदर जाके समुद्र के, और वो टूरिज्म को लेकर भी उसको बढ़ावा देना है। ये दोनों पर्पज है। विच रिसेंटली पॉपुलर संदेश ऐप, बहुत चर्चा में रहा संदेश ऐप किससे संबंधित है? तो जो पहला मिलिट्री फोर्सेज है, मैंने लिखा था CISF, SSB, ITVP, CRPF, BSF, ये सारी जो पहला पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना संदेश ऐप का पर्पज है। हाल ही में चर्चित रहा भारत और यूएई के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। कहां हुआ होगा? तो डेजर्ट थार डेजर्ट में हुआ है, राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास है। यूरोपीय संघ ने डिजिटल शेंजेन वीजा जारी किया है, शेंजेन जारी करने वाला पहला देश यूरोपियन संघ का। यूरोपियन यूनियन में आपने पता है 20 से ज्यादा देश हैं यूरोपियन यूनियन में, और ये जो शेंजेन, वहां पे शेंजेन एरिया है, ध्यान रखना है क्या है शेंजेन एरिया, मतलब वीजा फ्री, फ्री मूवमेंट एरिया होता है। मतलब शेंजेन एरिया में वो देश जितने शामिल है शेंजेन एरिया में, वो सब क्या करते हैं, एक बार वीजा का प्रोसीजर अगर आपका अलाउ कर दिया गया तो उन सारे शेंजेन एरिया वाले क्षेत्र देशों में एक साथ वीजा मिल जाता है, आप एक साथ घूम सकते हो। तो यूरोपियन यूनियन का पहला देश बना है जिसने डिजिटल शेंजेन वीजा देना शुरू किया है, वो है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 26 जनवरी के चीफ गेस्ट कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब थे 26 जनवरी के रिपब्लिक डे में क्या चीफ गेस्ट। अगला, भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहां शुरू हुआ है? घोगला बीच है दमन एंड द्वीप में। क्लियर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैंने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाए हैं, 5 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB और ब्रिक्स बैंक, उसी में एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका कार्यकारी निदेशक बनाया गया किसी भारतीय को, उनका नाम है विकासशील। किस भारतीय को पहली बार बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कब बना? 1997 में, बैंकॉक डेक्लेरेशन, थाईलैंड के बैंकॉक में डेक्लेरेशन साइन होती है और बनता है बिम्स्टेक। कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी से जुड़ने वाले वो देश जिन जो एक साथ आके टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका देश ग्रुप है। क्लियर है। में हुआ ये हैकॉन, तो इंडिया 7 देश, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल से और ट्रेड कौन करते हैं? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश हैं, याद रखें। इंद्रमणि पांडे पहली बार कोई भारतीय इसमें जनरल सेक्रेटरी बने। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO किसे बनाया गया? रघुराम अय्यर को बनाया गया। और इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी, नाम सुना होगा आपने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हमने चर्चा की थी 2024 में, सबसे अभिनेता और अभिनेत्री किसे मिला है? बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है?
सिलियन मर्फी को मिला है बेस्ट एक्टर और लिली ग्लैडस्टोन को मिला है। फिल्म का नाम आपको पता है, ये बेस्ट मोशन ड्रामा पिक्चर फिल्म भी अवार्ड भी मिला है, ओपनहाइमर। तो ये दोनों के नाम है। हाल ही में WTO में भारत का रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है, तो एक IAS ऑफिसर है जिनका नाम है सेंथियल पांडियन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्हें शामिल किया गया। WTO ध्यान रखना ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज बॉडी नहीं है। WTO 1 जनवरी 1995 को बना और ये लीडर है दुनिया भर में, प्रमोट करता है किसको, ग्लोबलाइजेशन को। वैश्वीकरण का लीडर है, टॉर्च बियर है ग्लोबलाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। भारत का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन स्ट्रीट प्रसादम नाम है उसका, कहां उद्घाटन किया गया है, उज्जैन MP में, MP के CM साहब मोहन यादव जी द्वारा किया गया। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता, मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्राजील से शिफ्ट होकर रशिया के पास पहुंच गई है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है गांधी जी के इंडिया लौटने की याद में। इसका पर्पज होता है जो भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर में, जो इंडिया के जो NRI भारत के लोग, भारतीय ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के लोग और NRIs जो रहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जा सके, वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वो भारत को कितनी तेजी से वर्ल्ड वाइड मजबूत कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को याद किया जा सके, उन्हें अवार्ड दिया जा सके, इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता है अयोध्या में इनॉग्रेट किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने SC और ST जो कम्युनिटी है उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग की स्कीम लेके शुरू की गई, जिसका नाम है योग्य श्री स्कीम। स्कीम जो चर्चा में रहती है राज्यों की, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, योग्य श्री स्कीम इसका नाम है। एक नाम है ग्रेवियल अटल, किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने, होमोसेक्सुअल हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस देश के, फ्रांस के हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है IPR, जिसमें GI टैग आता है, IPR मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, GI टैग आता है, क्लियर है, ये सारी चीजें आती हैं। Now, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने लिख दिया यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब मेरी बुद्धि का अधिकार मेरे पास होना चाहिए, तो IPRs को दिया जाता है। जैसे आपने कोई इनोवेशन किया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, तो आपको पेटेंट मिलेगा, क्लियर है। ट्रेडमार्क मिलता है, जैसे बिजनेस, कोई बिजनेस जो एंटिटी है, जैसे हल्दीराम है, तो उसको ट्रेडमार्क मिला हुआ है हल्दीराम के नाम पर और उसकी डिजाइन पर, जैसे डोमिनोज है। कॉपीराइट, कोई लिटरेचर आपने लिखा, कोई आर्ट आपके पास है, तो उसको कॉपीराइट मिलता है। GI टैग, किसी ज्योग्राफिकल, किसी ज्योग्राफी में स्पेशल उसका कोई फीचर है जिसकी वजह से वो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको GI टैग मिलता है। जैसे बनारसी साड़ी, जैसे काजीवरम की साड़ियाँ, जैसे रसगुल्ला, क्लियर है, जैसे झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, क्लियर है, इस तरीके से। तो हनुमानगढ़ी जो लड्डू हैं बहुत फेमस है, हनुमानगढ़ी अयोध्या में बहुत फेमस है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, इसे हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग दिया गया है। एक संस्था है स्काई ट्रैक्स, उसके अनुसार 2023 में वर्ल्ड का सबसे वेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर का, चांगी वहां पर नेवल बेस भी है, ध्यान रखना है।
टांगी नेवल बेस भी है वहां पर, टांगी नेवल बेस के नेवल बेस सुना होगा, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि वहीं पे टांगी नेवल बेस। और भारत का हम भारत सरकार ने सिंगापुर सरकार के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट भी कर रखा है टांगी नेवल बेस पे, मतलब जरूरत पड़ने पे हमारी सेना टांगी नेवल बेस का यूज कर सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई KLISOFC परियोजना बहुत फेमस है, लक्षद्वीप गए थे प्रधानमंत्री जी आपको पता होगा, और लक्षद्वीप जाके सुना होगा उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे एक फोटो खिंचवाई और इतना पॉपुलर है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बस फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, उनके फोटो खिंचवाने भरते एक देश डूब गया पूरा मालदीव, वहां के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया और हालत इस समय खराब है। सुना जा रहा है वहां राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू जो प्रो चाइना है जो एंटी इंडिया माना जाता है वो हो सकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, उसको उसके पद से हटना पड़े। तो ये पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो क्या है ये, कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच में सबमरीन मतलब समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मतलब ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए केबल परियोजना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अगला, सेकंड इंटरनेशनल आयुष सम्मेलन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, आयुष सुना है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, इन 5 को मिला के बोला जाता है आयुष, कहां हुआ है दुबई में हुआ है। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित किया गया, फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। अगला, 2024 में यूनेस्को के 46वें सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2024 में यूनेस्को की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास है। 2023 में ये रियाद में इसकी सम्मेलन हुआ था सऊदी अरब में, और इस सम्मेलन में इस मीटिंग में रियाद मतलब सऊदी अरब अध्यक्षता कर रहा था, भारत की 2 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, और भारत में इस समय टोटल इंडिया में 42 हैं, 42, जिनमें से इंडिया में 2 कौन से किया गया था, एक तो वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी की कर्म भूमि माना जाता है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, और दूसरा होयसल के मंदिर कर्नाटक, पवित्र मंदिर होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटका। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले, स्पोर्ट्स के फील्ड में अर्जुन पुरस्कार आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स का हाईएस्ट प्राइज कौन सा है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब क्या कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड है। और उसके बाद है अर्जुन अवार्ड, सुना है आपने, तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत की पहली महिला एथलीट कौन बन गई है, दिव्य कीर्ति सिंह बन गई है इसमें घुड़सवारी में। आइंस्टीन प्रोब नाम का एक सैटेलाइट भेजा है, किस देश के द्वारा भेजा गया है, चाइना, और चाइना के रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च बी, ये चाइना का रॉकेट है फेमस, जैसे हमारा है इसरो का है, भारत का है हमारा है PSLV और GSLV। हाल ही में चर्चा हमारा दृष्टि 10 क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजेनस मतलब स्वदेशी रूप से हमने बनाया है ऑल वेदर स्टार लाइनर ड्रोन है, सभी मौसम में काम करने वाला, और इसको कौन यूज करेगी, इंडियन नेवी यूज करेगी। अगला, हाल ही में लेह ने वियतनाम के किस शहर के साथ, लेह मतलब लद्दाख से, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 2 फेमस शहर हैं लेह और कारगिल, तो लद्दाख और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ है कि वो उन 2 सिटीज को हिस्टोरिकल कल्चरल एंड टूरिज्म के बेस पे जो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो वियतनाम का शहर है लैम डोंग सिटी और लद्दाख का शहर है लेह, इनके बीच में समझौता। हाल ही में इसरो का GSAT-20 भेजा गया है, जो सैटेलाइट है उसका नाम है GSAT-20, स्पेस एक्स के किस रॉकेट से भेजा जाएगा, तो जो स्पेस एक्स सुना होगा आपने, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट जो बहुत फेमस है, पहली बार हम कोई सैटेलाइट स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 हैवी रॉकेट से भेजें।
हाल ही में चर्चा में नहीं, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बगलियार और सलाल, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजनाएं किस रिवर पे हैं? चेनाब रिवर, जो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, इंडस की सहायक नदी है, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोजेक्ट लगाए गए। चंदुबी फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? आसाम से संबंधित है, जहां के सीएम का नाम है हेमंता विश्व शर्मा, बीजेपी की सरकार है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ वहली, नहीं है ये फर्स्ट है, पहली, फर्स्ट मीटिंग, पहली कौन सी? इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग कहां हुई है? पुद्दुचेरी में हुई है। आपको पता है भारत में नेशनल वाटर हाईवेज को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, क्लियर है, अथॉरिटी भी बनाई गई है। भारत का पहला नेशनल वाटर हाईवे कौन सा है? अलाहाबाद से हल्दिया, अलाहाबाद या प्रयागराज से, प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा रिवर पर है, भारत का सबसे लंबा वाटरवे है। हाल ही में चर्चा में रहा 2024 का पहला साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका नाम क्या है, जो मेडागास्कर में अफ्रीका के साइड में एक आइलैंड है, बिल्कुल ईस्ट अफ्रीका के साइड में, इंडियन ओशियन में, मेडागास्कर, उसका नाम है अल वैरो, कहां पे? इंडियन ओशियन में, क्लियर है। आपको पता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया ऑफिसर्स बैच में, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, और टेम्परेट साइक्लोन ऊपर पोल्स की ओर जाओगे तो ठंडे रीजन्स में आता है, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, और ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आता है, क्लियर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है इंडियन ओशियन में जो आते हैं उनको कहते हैं क्या? कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन्स कहते हैं। अगर आप जो है पैसिफिक ओशियन में चले जाओगे, जापान के आसपास, जापान चाइना इनके आसपास, तो उसे टाइफून कहेंगे, हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं इन्हें, कहां पे? मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशियन में, अमेरिका के साइड, मेक्सिको के साइड, इसे टॉर्नेडो या हरिकेन कहते हैं, कैरेबियन सी में हरिकेन या टॉर्नेडो कहते हैं। हाल ही में चर्चित था असॉल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्राम, किसने डेवलप की है? डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ जो संगठन है, जो भारत में डिफेंस वेपन्स बनाता है, मिसाइल बनाता है, तमाम तरीके के डिफेंस वेपन्स बनाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की है। विश्वकर्मा मतलब जो क्राफ्ट्समैन है ना, जो बुनकर्स हैं, उनकी स्किल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर 2023 में ये योजना लॉन्च की थी, बजट 2023-24 में लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसको लागू किया जम्मू एंड कश्मीर। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, जो बुनकर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, पारंपरिक बुनकर हैं, उनके स्किल को बढ़ावा देना, उनके उनसे उनकी जो उनको मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी से जोड़ना, मशीनरी से जोड़ना, जिससे कि वो प्रोडक्शन क्या कर सकें, बढ़ा सकें। प्रेरणा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्कूल एजुकेशन के संबंध में, अब स्कूल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए प्रेरणा इनिशिएटिव है। 58वां अखिल भारतीय ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी सम्मेलन, डीजीपी मतलब पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनका वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है, इस साल 2024 में कहां हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ है, जयपुर राजस्थान, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में पहली बार कोई महिला डीजीपी बनी है, रश्मि शुक्ला इनका नाम है, आईपीएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, सबसे बड़ी पुलिस की अधिकारी किसी स्टेट में। हाल ही के चुनाव में पांचवीं बार बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? आपको पता होगा शेख हसीना जी बनी है, दोबारा फिर से बनी है पांचवीं बार। हाल ही में दसवीं सदी का कन्नड़ शिलालेख कहां पे पाया गया है? गोवा में पाया गया, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन दसवीं सदी का है, वो 10th सेंचुरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है, फोर स्टार्स ऑफ आवर डेस्टिनी, ये किसकी पुस्तक है? भारत के एक्स आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवाने जी की, फोर स्टार ऑफ
देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा असम में शुरू की गई है। किसका नाम क्या है? नाम है उसका वायु। तो ये हमने जनवरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अलग अलग एग्जाम्स में, इनमें से देखोगे आप इसी स्लाइड में से आगे होने वाले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जा सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया IBACIO का करंट अफेयर देखोगे, वो वीडियो जो मैंने डाली और मेरे सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है करंट अफेयर्स, वहां से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एक साल के करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये करंट अफेयर की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। कोई भी फीडबैक हो, किसी भी प्रकार को, आपको कुछ कोई किसी भी टाइप की आप वीडियो चाहते हैं मेरे से, किसी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो सारा फीडबैक आप दे सकते हैं। मैं क्या क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और कौन कौन सा कंटेंट मैं ऐड कर सकता हूँ, उसके लिए भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और SSC एग्जाम्स के ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे यहाँ पे। थाउजेंड ऑफ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल, RBI की वेबसाइट पे थाउजेंड ऑफ फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच पर रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है लेटेस्ट पैटर्न पर, जिसके लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिसर बैच चल रहा है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, GK, इसके अलावा करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK एज वेल एज करंट अफेयर्स, उसकी ई बुक, सारा कुछ मटेरियल इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। साथ ही साथ न्यू डेली टारगेट ग्रुप्स आपके लिए सेट किए जाएंगे, आपको डेली टारगेट दिया जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्पेशल बैचेस भी हैं, जैसे मैथ्स का स्पेशल बैच है द्रोणाचार्य बैच, GS का अलग से स्पेशल बैच है, इंग्लिश का अलग से बैच है, और रीजनिंग का अलग से बैच है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।